जय हिंद बच्चों, आज हम क्षेत्र मिति में गोला के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो गोला आप सबने तो देखा ही होगा, फिर भी उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। जैसे क्रिकेट का गेंद एक गोला है, एक वृत्त की आकृति गोले की आकृति की समान होती है और हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होते रहता है। तो हम आज गोले के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो गोला को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, गोला किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः चारों ओर घुमाने से बनी आकृति गोला कहलाता है। तो यहाँ पर गोले की आकृति देखते हैं, ये गोला है। ए बी उसके व्यास हैं, ए बी बराबर व्यास, ओ बी बराबर ओ ए बराबर ये गोले की त्रिज्या कहलाता है। तो इस प्रकार गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होती है। केंद्र गोले के मध्य में स्थित होता है और ये व्यास को दो बराबर भागों में विभक्त करता है, अर्थात व्यास बराबर ए बी तो ओ बी बराबर ओ ए बराबर त्रिज्या। इस प्रकार गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से केंद्र की दूरी उसके त्रिज्या से बराबर होती है। और गोले के पृष्ठ को संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। सूत्र देखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr वर्ग होता है। तो इस प्रकार ये गोले का पृष्ठ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr वर्ग। दूसरा है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3πr त्रिघात। तो इस प्रकार एक ठोस गोले को बनाने में जितने पदार्थ लगता है उसकी मात्रा को हम गोले के आयतन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, 4/3πr त्रिघात। और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं और हम इसको 4πr वर्ग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये गोले हैं, इसे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। एक
ठोस गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। एक ठोस गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। दिया है गोले के व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार हमको प्रश्न में दिया है गोले के व्यास 2R बराबर 21 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र से हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ या गोली पृष्ठ गोले के एक ही होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र है पाई आर वर्ग। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग। अब ये हमको सूत्र प्राप्त है 4πr². इस सूत्र में मान रखते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम मान हम याद करेंगे। तो 4 आप सब जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 21/2 का वर्ग। चूंकि टू आर बराबर 21 तो आर बराबर 21/2 प्रश्न में दिया है, तो इस मान को हम यहाँ रखें 4×22/7×21/2। आगे हल करते हैं तो 4×22/7×21/2×21/2। तो इस प्रकार और इसको आगे हल करेंगे 2×2=4 और 4×1=4 इस प्रकार कट जाते हैं। आगे हल करेंगे तो 22×21×21/7। आगे हल करने पर 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हमको ज्ञात करना है गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन बराबर होता है 4/3 πr³।
इस प्रकार गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। इस सूत्र में मान रखते हैं तो हमको ये गोले का आयतन प्राप्त होगा 4/3 × π × r का मान है 21/2 3। आगे हल करते हैं तो 4/3 × π × 21/2 × 21/2 × 21/2। और आगे हल करते हैं तो 4/3 × π × 21/21 × 21/8 मान प्राप्त होगा 4 × 1 = 4 × 2 = 8 3 × 1 = 3 7 = 21। इस प्रकार कट जाता है और मान हमको मिलता है 21 × 21 × 7 × π/2। तो आगे हल करेंगे इसको (21 × 21 = 4 × 41 × 7 × π/2). आगे हल करने पर (7 × 7 = 28) गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा 3087/2 × π/2। आगे हल करेंगे तो हमके प्राप्त होता है, कटा देंगे 2 × 1 = 10 × 2 = 8 × 2 = 6 × 2 = 10। तो इस प्रकार हमको आयतन बराबर प्राप्त होता है 1543.5 π³ सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर हमको ये प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर गोले का व्यास दिया है तो हम उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 996 वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ, एक गोले का वक्र पृष्ठ 996 π² सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा, मान लो गोले की त्रिज्या r है
गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, दिया है गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 196 पाई वर्ग सेंटीमीटर गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 4 पाई आर वर्ग बराबर 196 पाई, आर वर्ग बराबर हो जाएगा 196 पाई बटे 4 पाई। तो इस प्रकार हमको आर वर्ग बराबर प्राप्त होता है। उसके बाद ये पाई और पाई कट जाते हैं तो आर वर्ग बराबर 196 बटे 4 प्राप्त होता है। फिर 196 को 4 से घटाते हैं तो 4 चौं 16 और 4 निया 36। इस प्रकार आर वर्ग बराबर हमको 49 प्राप्त होता है। तो आर वर्ग बराबर 7 का वर्ग और आर बराबर 7। तो इस प्रकार त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। जब गोले की त्रिज्या हमको प्राप्त हो गया है तो व्यास ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। इस सूत्र में मान रखते हैं तो 2 गुणित त्रिज्या का मान 7, क्योंकि त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर हम ज्ञात किए हैं तो त्रिज्या का मान रख दिए तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो हम आर की मान ज्ञात कर सकते हैं, और आर का मान अगर ज्ञात है तो हम व्यास गोले के व्यास को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। यदि 2 गोलों की त्रिज्याएं में अनुपात 1:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं मैं। यदि 2 गोलों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 है। तो यहाँ पर 2 गोले की त्रिज्याओं के अनुपात दिया हुआ है। तो मान लो
दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है। मान लो दो गोले के त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। दिया है पहले गोले की त्रिज्या बटे दूसरे गोले की त्रिज्या पहले गोले की त्रिज्या बटे दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर 1/3। तो इस प्रकार दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, पहले गोले की त्रिज्या बटे दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर 1/3। तो R1/R2 बराबर 1/3। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पहले चूंकि पहले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R1 त्रिघात दूसरे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R2 त्रिघात। इस प्रकार पहले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R1 त्रिघात, दूसरे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R2 त्रिघात, ये मान हमको प्राप्त होते हैं। पहले गोले का आयतन V1, दूसरे गोले के आयतन V2, इस प्रकार V1/V2 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R1 त्रिघात बटे 4/3 पाई R2 त्रिघात। आगे हल करते हैं तो R1 त्रिघात बटे R2 त्रिघात, V1/V2 बराबर, फिर हम V1/V2 बराबर R1/R2 का त्रिघात लेते हैं। आगे हल करेंगे तो R1/R2 बराबर 1/3, क्योंकि R1/R2 बराबर 1/3 समीकरण 1 से प्राप्त है। तो 1/3 का त्रिघात आगे हल करेंगे तो
तो ये 1/27 हो जाएगा, V1/V2 बराबर 1/27। तो V1/V2 बराबर 1:27 प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर हमको त्रिज्या का अनुपात दिया है तो उसके आयतन के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मान लो पहले गोले का आयतन V1 है और दूसरे गोले का आयतन V2 है, तो पहले गोले का आयतन अनुपात दूसरे गोले का आयतन बराबर 1:27 ये हमको प्राप्त हुआ है। और प्रश्न में हमको यही ज्ञात करना था, तो पहले गोले का आयतन अनुपात दूसरे गोले का आयतन बराबर 1:27 ये प्राप्त हुआ। तो यही हमारा उत्तर है, उत्तर V1/V2 बराबर 1:27। तो इस प्रकार ये हमको उत्तर प्राप्त हुआ है। तो त्रिज्या का अनुपात दिया है तो उसके आयतन के अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें आयतन का अनुपात दिया है, हम उसके त्रिज्या के अनुपात को ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्रमांक अगला है, जैसे दो गोलों के आयतनों का अनुपात 1:8 है तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रश्न, इसके पहले वाले प्रश्न में हम त्रिज्या का अनुपात दिया है तो आयतन के अनुपात दिए थे ज्ञात किए। अब यहाँ पर अगले वाले जो प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 5, इसमें आयतन का अनुपात दिया हुआ है और हमको त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 5 में दिया है प्रश्न। तो मान लो दो गोले की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, दिया है पहले गोले का आयतन 1/2 गोले का आयतन बच्चों प्रश्न में दिया है पहले गोले का आयतन 1/2 गोले का आयतन बराबर 1/8। पहले को गोले का आयतन V1, दूसरे गोले का आयतन V2, इस प्रकार V1/V2 बराबर 1/8। समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है, V1/V2 बराबर 1/8।
उसके बाद पहले गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 πr1 3/4/3 πr2 3 बराबर 1/8। ये हमको मिलेगा पहले गोले का आयतन बराबर 4/3 πr1 3 बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 πr2 3 बराबर 1/8। आगे हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा r1 3/r2 3। ये 4/3, ये 4/3, ये पाई और ये पाई अंश और हर में होने के कारण कट जाएंगे। इस प्रकार हमको प्राप्त होगा r1 3/r2 3 बराबर है 1/8। और आगे हल करते हैं तो r1/r2 का पूर्ण त्रिघात बटे 1/8। और आगे हल करते हैं तो r1/r2 का त्रिघात बराबर 1/2 का त्रिघात। अब इसको समीकरण 2 मान लें। तो आधार समान घातांक के नियम में आधार समान होने पर घात समान होते हैं। तो r1/r2 बराबर होता है 1/2। तो r1/r2 बराबर 1/2। इस प्रकार हमको दो गोले के आयतन का अनुपात दिया है तो उनके त्रिज्याओं के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो दो गोले के त्रिज्याएं, पहले गोले की त्रिज्या r1 अनुपात दूसरे गोले की त्रिज्या r2 बराबर 1/2 हमको प्राप्त होता है। तो ये हमारा उत्तर है, उत्तर r1/r2 बराबर 1/2। इस प्रकार प्रश्न में आयतन का अनुपात दिया है तो हम त्रिज्याओं के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं, और अगर त्रिज्या के अनुपात दिया है तो हम उसके आयतन के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न और लेते हैं, इसी प्रकार का है। प्रश्न क्रमांक 8। 3 गोलों जिनके व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इस नए गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों 3 गोले दिए हैं और तीनों गोलों को पिघलाकर बड़े गोले बनाया गया है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको। तो यहाँ पर हमको बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसके बाद बने हुए नए बड़े गोले का वक्र पृष्ठ भी निकालना है। तो मान लो
तीनों गोले के त्रिज्याएं क्रमशः आर वन आर टू व आर थ्री है। मान लो तीनों गोले की त्रिज्याएं क्रमशः आर वन आर टू व आर थ्री है। दिया है पहले गोले का व्यास टू आर वन बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। दूसरे गोले का व्यास 2R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरे गोले की व्यास 2R3 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो R3 बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पहले गोले का व्यास 2R1 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो R बराबर 3 सेंटीमीटर। दूसरे गोले का व्यास 2R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरे गोले का व्यास 2R3 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो R3 बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है जो तीन छोटे गोले को पिघलाकर बनाया गया है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। तो
तो बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर त्रिघात बराबर 4/3 पाई आर वन त्रिघात प्लस 4/3 पाई आर टू त्रिघात प्लस 4/3 पाई आर थ्री त्रिघात। तो नए गोले जो हमको प्राप्त होता है, बड़े गोले तीनों गोलों के जो पिघलाकर बनाते हैं, तो बड़े गोले के आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर त्रिघात बराबर होता है 4/3 पाई आर वन त्रिघात प्लस 4/3 पाई आर टू त्रिघात प्लस 4/3 पाई आर थ्री त्रिघात ही हमको प्राप्त होता है। आगे हल करने पर 4/3 पाई आर त्रिघात बराबर 4/3 पाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस प्रकार तीनों पदों में, दाएं पक्ष के तीनों पदों में जो उभयनिष्ठ है 4/3 पाई, इसको हम उभयनिष्ठ निकाल लिए, तो कोष्टक में हमको प्राप्त होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये तीनों के त्रिघात हमको प्राप्त होते हैं। आर वन त्रिघात प्लस आर टू त्रिघात प्लस आर थ्री त्रिघात। आगे हल करते हैं 4/3 पाई आर त्रिघात बराबर 4/3 पाई आर वन त्रिघात प्लस आर टू त्रिघात प्लस आर थ्री त्रिघात, ये मान हमको प्राप्त होते हैं। तो दोनों पक्षों में 4/3 पाई समान है, तो आर त्रिघात बराबर हमको आर वन त्रिघात प्लस आर टू त्रिघात प्लस आर थ्री त्रिघात प्राप्त होता है। अब मान हम इसका रखते हैं आर वन बराबर 3 का त्रिघात प्लस आर टू का मान 4 का त्रिघात प्लस आर थ्री बराबर 5 का त्रिघात, ये हमको प्राप्त होता है। फिर इसको और आगे हल करते हैं तो ये हमको 27 प्राप्त होता है, ये 4 का त्रिघात 64 प्लस 5 का त्रिघात 1/25। फिर और आगे हल करते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 216 प्राप्त होता है। इसलिए आर त्रिघात बराबर 216 अर्थात 6 का त्रिघात, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर बड़े गोले की त्रिज्या
इस प्रकार बड़े गोले की त्रिज्या आर, कैपिटल आर बराबर 6 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गया। तो हम बड़े गोले के वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। नए बड़े गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4πr² मान रखते हैं 4π का मान आप सभी जानते हैं 22/7 और r का मान 6, तो ये 6 का वर्ग हो गया। आगे हल करते हैं और तो 4×22/7×6×6 इस प्रकार का मान प्राप्त होता है। फिर इसको आगे हल करते हैं तो हमको 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। क्योंकि यह पाई का मान 22/7 है, 22/7 तो यहाँ पर हम पाई को पाई ही रखते हैं। तो इस प्रकार हल करने पर 6×6=36 और 36 में 4 के गुणा करने पर 144π² प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम 3 छोटे छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़े गोले बनाते हैं और बड़े गोले की त्रिज्या और वक्र पृष्ठ ज्ञात किए हैं। तो ये हमारे उत्तर है। उत्तर बराबर 144π² सेंटीमीटर। तो ये बड़े गोले का वक्र पृष्ठ है। तो ये गोले से संबंधित प्रश्न था, इसको हमने हल किया है। तो धन्यवाद बच्चों, गोले से संबंधित टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।